सुदामा जी महाराज अपनी पुतली का चावल, कनकी का चावल है।
या टूटा है कैसा कुछ नहीं देखा, एक मुट्ठी ले लिया और एक मुट्ठी लेकर के अपने मुख में श्री द्वारिका देश में प्रथम मुट्ठी अपने मुख में डाल करके एक लोग संपदा से सुदामा जी महाराज को जोड़ दिया। पुनः दूसरी मुट्ठी चावल श्री द्वारिका देश उठाते हैं और उठा करके अपने मुख पर डालते हैं, दूसरी लोग में संपदा श्री सुदामा जी महाराज को द्वारिका देश दे देते हैं। तीसरी मुट्ठी चावल लेते हैं तो ही रुक्मणी महारानी हाथ को पकड़ लेती है, कहते अरे अरे हमारे प्रभु आप ही सुदामा बन जाएंगे क्या, ऐसा मत मुझे हमारे बाल गोपाल है। प्रभु मान जाते हैं, छोड़ देते हैं, कहते ये प्रसाद हमें दे दीजिए। तो प्रसाद से रुक्मणी महारानी ले लेती है और ऐसे से सुदामा जी महाराज का सुंदर स्वागत करते हुए सुदामा का रूप धारण करा दिया, पेट में एक एक कपड़े को बांध दिया और सुंदर स्त्री का रूप धारण करा दिया और घूंघट लगा दिया और ले जाकर के परीक्षा लेने के लिए संतों के पास ले गए। सभी बच्चे मिलकर के सोचे कि चलो हास्य परिहास कर लेंगे संतों के साथ, परंतु प्यारे सज्जनों सुनते जाइए ना, संतों के साथ हाथ हास्य परिहास करने में क्या होता है। आज सब बच्चे गए हैं सामने को गणपति ध्यान लगाकर देखे तो ना वह माता सुदामा उर्फ मेरा भाई इसको तो पूरा तीनों लोक मिल के लगता है, बहुत बुरा बटोरा है, इधर भी कोई कम नहीं है, पूरा मिला देखो राशन इसको।